नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के 153 पदों पर निकाली गई भर्तियां। बीते दिन एक बार फिर से रहा हंगामेदार सत्र। पटना समेत कई जिलों में वज्रपात को लेकर जारी हुआ अलर्ट। कोविशील्ड के टीके से मिलती है 93% सुरक्षा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के 153 पदों पर निकाली गई भर्तियां। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने असिस्टेंट मैनेजर के 153 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त तक नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऊपर दिए गए पदों से संबंधित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। वहीं SC ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 55% मार्क्स मान्य माने जाएंगे। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में करवाया जा सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को कर्मचारी चयन आयोग में प्रतिनियुक्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पर्यवेक्षण कार्य के लिए 28 से 30 जुलाई तक सभी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अनिल कुमार, शाहिद परवेज, वसीम अहमद, पूनम कुमारी, दिलीप कुमार अग्रवाल, प्रभात भूषण और सुभाष कुमार का नाम शामिल है। पटना समेत कई जिलों में वज्रपात को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार में मौसम में बदलाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके तहत शाम 3 बजे तक पटना समेत कई जिलों में वज्रपात को लेकर बीते दिन अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई थी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल बने रहने की भविष्यवाणी की है। इस दौरान अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी होने का अनुमान है। इस दौरान 28 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विधायकों ने सरकार से मांगा जवाब। बीते दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र का 3रा दिन था। वहीं बीते दिन विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधायकों ने सरकार से जवाब की मांग की है। इस बाबत बीते दिन भाजपा ने सरकार के सामने बड़ा दाव खेला, जिसके तहत भाजपा विधायकों की तरफ से ये कहा गया कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर बिहार में भी अगले 50 वर्षों के हिसाब से नीति तय करने की आवश्यकता है। इस बाबत विधायकों ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन कम पड़ने लगे हैं, कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगा है, साथ ही पानी का भी डोज अधिक हो गया है, जिस पर सरकार की तरफ से सदन में इस जवाब के लिए समय की मांग की गई है। बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। भारतीय रेल अपने सभी रेलवे स्टेशन के स्वरूप को बदलने वाला है, जिसके तहत ही फिलहाल और 5 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 10 स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। रेलवे के मुताबिक स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पहले चयनित 5 स्टेशन के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी, धनबाद और DDU जंक्शन का पुनर्विकास कर उसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसको लेकर पहल शुरू की जा चुकी है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन के पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को संरक्षा, बेहतर और सुखद यात्रा अनुभव और विश्व स्तरीय यात्री सुविधा प्रदान करना है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोनल झा की। सोनल झा का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सोनल झा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। सोनल झा को लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, 3 स्टोरीज, चिल्लर पार्टी और टीवी सीरियल जैसे ना आना, इस देश मेरी लाडो और बालिका वधु जैसे सीरियल में उनकी पहचान मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में भी अहम भूमिका निभाई है। सोनल नादिरा जैसी हस्तियों से सीखते हुए एकजुट थिएटर ग्रुप की सदस्य बनी थी। सोनल ने बब्बर और पूरे भारत में कई नाटकों में अभिनय भी किया है, जिसके बाद प्रकाश झा ने अपने क्षेत्रीय भोजपुरी के लिए काम पर रखा था उन्हें, जिसमें उन्होंने बाहुबली की मां की भूमिका निभाई। बालिका वधु में इरावती की भूमिका निभाते हुए वो भारतीय सोप ओपेरा की संवेदनशील और आकर्षक मां के रूप में प्रसिद्ध हुई। सपनों के भंवर में और ना आना, इस देश लाडो के समान रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के बाद इसने उन्हें एक घरेलू नाम भी दे दिया था। उनकी लघु फिल्म MAD द मुंबई फिल्म फेस्टिवल में फेवरेट 10 की विजेता रही थी। बीते दिन
एक बार फिर से रहा हंगामेदार सत्र। बीते दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। वहीं बीते दिन का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां सदन शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने विरोध किया। इसके साथ ही बीते दिन विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल को ही विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया, जिस पर सत्ता पक्ष ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री के नाम पर ही वोटिंग की, जिसके तहत विधानसभा में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 में संशोधन का विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया। ज्ञात हो विपक्ष की मांग के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा में वोटिंग कराई। वोटिंग के दौरान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में कुल 89 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 110 वोट, यानी कि सत्ता पक्ष की जीत हुई। मतदाता सूची में सुधार का मिला मौका। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी अपडेट जारी की है, जिसके तहत आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से मतदाता सूची में बदलाव के लिए समय जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन की सूचना का प्रकाशन 24 से 30 जुलाई तक किया जाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और प्रखंड कार्यालय में सूचना दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय और जिला परिषद चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना दी जाएगी। सदन में 23 मार्च के मुद्दे को लेकर फिर भड़के तेजस्वी। बजट के दौरान विधायकों के साथ मारपीट के मुद्दे को मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने खूब उठाया है। इसी मुद्दे पर बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खूब भड़ास निकाला, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सदन में जो हुआ वो आसन के कहने पर नहीं हुआ है, इसके लिए किसी और ने पूरी संरचना खड़ी की। आज जो कर रहे हैं कल हम भी करवा सकते हैं, कल आप इस तरफ आ जाएंगे और हम कुछ भी करवा देंगे और दो को निलंबित भी कर देंगे, यह ठीक नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग उनसे धैर्य सीखने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब वो 70 से 40 पर आ गए हैं तो खिंचना लाजमी है। यह पूरी सरकार ही चोर दरवाजे से बनी है। नीतीश कुमार इस बार जनता का आधार नहीं बना पाए, हम भी जनता को भरोसा देकर यहाँ आए हैं। लोकसभा में उठा सबैया एयरपोर्ट का मामला। बीते दिन लोकसभा में गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट का मामला उठाया गया। गोपालगंज के जदयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, जिसके तहत जदयू सांसद ने रक्षा राज्य मंत्री से सवाल किया था कि क्या रक्षा मंत्रालय या नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हथुआ के सबैया एयरपोर्ट को डेवलप करने और उसके जर्जर हवाई पट्टी की मरम्मत के लिए कोई प्रस्ताव आया है, जिसके जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय या नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा अभी तक सबैया एयरपोर्ट को विकसित करने का या उसकी मरम्मत को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। अगर संबंधित विभाग के द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पर जरूर विचार किया जाएगा। दिल्ली में लालू से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। दिल्ली में लालू यादव ने बीते दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके तहत बीते दिन सांसद मीसा भारती के आवास पर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की, साथ ही उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। वहीं इस दौरान देश की राजनीति पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नेताओं के बीच घंटों बातें हुई हैं। इस दौरान देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संसद के वर्तमान मॉनसून सत्र के महत्व पूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद से ही इनके मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा आईएएस रंजीत कमबैक। प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के तबादले के बाद मामला गंभीर होता जा रहा है। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के बीच यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह भी अब ट्विटर पर #WeWantRanjitKumarIASBack बीते दिन ट्रेंड करने लगा था, क्योंकि अभ्यर्थी उन्हें अब वापस लाने की मांग करने लगे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण अब अगस्त महीने में है, लेकिन इसके पहले ही शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के तबादले से अभ्यर्थी भड़क गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर क्यों नियोजन प्रक्रिया के बीचों बीच एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया गया है जो ईमानदार तरीके से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करवा रहे थे। मीडिया की भूमिका को पटना हाईकोर्ट ने बताया अहम। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन कोरोना मामलों पर सुनवाई करते हुए मीडिया की भूमिका को अहम बताया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले को लेकर शिवानी कौशिक और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता को बरकरार रखने में लोगों को संवेदनशील बनाने में मीडिया की भूमिका अति आवश्यक है। मीडिया की अहम भूमिका से कोरोना की तीसरी लहर से राज्य के लोगों को पीड़ा, आपदा और वेदना से निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा।
भाजपा नेता संबित पात्रा ने राजद में पुत्र मोह होने की कही बात। बिहार की राजनीति में यादव ब्रदर्स की चर्चा लगातार होती रहती है। वहीं अब राजद प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को लेकर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पार्टी प्रमुख पर पुत्र मोह का आरोप लगाया, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि राजद कभी नहीं चाहेगी कि देश में चमचमाती सड़कें बने। लालू यादव हमेशा अपने दोनों बेटे को सेटल करने में लगे रहेंगे। सभी पार्टी अपने परिवार का ही विकास करना चाहती है। इसके साथ ही बीते दिन सदन में संबित पात्रा ने सभी विपक्षी दलों का घेराव भी किया। कोविशील्ड के टीके से मिलती है 93% सुरक्षा। केंद्र सरकार ने बीते दिन सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि AFMC के स्टडी के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने स्टडी के अनुसार कोरोना के टीके को 93% सुरक्षित बताया है और इस वैक्सीन को लगाने वालों की जान गवाने की क्षमता को 98% तक कम बताया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की खास अपील की है। वहीं इस बाबत नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया था उनमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 93% सुरक्षा देखी गई, साथ ही मृत्यु दर में भी 98% की कमी देखी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से संक्रमण कम होता है, लेकिन यह पूर्ण गारंटी नहीं है। बिहार शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तारीख जारी। शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। शिक्षा विभाग ने आज ही शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड के काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 2 अगस्त से नगर निकाय, 4 अगस्त से प्रखंड नियोजन इकाई और 9 अगस्त से पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग की जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई यह तारीख बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक की काउंसलिंग के लिए है, जो की 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। आंधी बारिश के चलते हुए फसल नुकसान को लेकर नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बीते दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान फसल नुकसान को लेकर किसानों के लिए बिहार सरकार ने अहम ऐलान किया है। इस बाबत कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते दिन कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण हुए फसल नुकसान की रिपोर्ट जिलों से फिर मांगी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन के मानकों के अनुसार किसानों को हर संभव सहायता दी जाएगी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जून में 167.7 मिलीमीटर के मुकाबले 354.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण कई जिलों के किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं किसानों को मुफ्त बीज देने की योजना भी बनाई जा रही है। बैंक डूबने पर 90 दिनों में मिल जाएगी 5 लाख रुपए की जमा राशि। बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी संवाददाता सम्मेलन में शामिल रहे। इस दौरान वित्त मंत्री ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए बंद हो चुके बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब बैंक के डूबने की स्थिति पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के अंदर ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिसके बाद जमाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाल ही में यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक सहित कई बैंक दिवालिया हो गए थे। ऐसे में अगर अब आगे कोई भी बैंक इस परिस्थिति में आते हैं तो उनके ग्राहकों को 5 लाख तक की राशि मुहैया करवाई जाएगी। जीतनराम मांझी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जिसके तहत बीते दिन मांझी ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि हो सकता है यह मेरा इस सदन का अंतिम कार्यकाल हो। मैं 36 साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं और मैंने बहुत से दौर देखे हैं, लेकिन ऐसा दौर भी कभी सदन में आएगा वो नहीं सोचा था, जिसके बाद अब सियासी गलियारे में मांझी के विधानसभा नहीं लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बनाने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा पत्र। हाल ही में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी ने WIT का दौरा किया था। इस दौरे के साथ ही उन्होंने दरभंगा को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए संघर्ष करने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बाबत पत्र जारी करने के वादे को पूरा किया है। साथ ही उन्होंने WIT यानी कि वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दौरे के दौरान संस्थान के निदेशक UK दास और छात्रों से मुलाकात करके संस्थान के समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया है कि मैं और मेरी पार्टी इसके मूल स्वरूप में बदलाव किसी कीमत पर नहीं होने देगी। इस संस्थान से किसी भी हाल में महिला शब्द को विलोपित नहीं होने दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने दी खुली चुनौती। VIP प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों काफी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले तो बगावती रवैया अपनाया था, लेकिन बाद में वो नरम पड़ते दिखाई दिए। इसी बीच अब बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों को खुली चुनौती दी है, जिसके तहत मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान साफ कहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर NDA में गतिरोध है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरे विधायक पूरी तरह एकजुट है। कुछ लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाले हैं। अगर किसी ने हिम्मत की तो वो मेरी पार्टी
पार्टी को तोड़कर दिखाए। जो लोग पर्दे के पीछे से पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो लोग याद रखे कि हम उन पर्दों को ही लपटों के हवाले कर देंगे। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी 1748 में भारत पहुंची। भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना 1876 में आज के दिन की गई। मोहन बगान की 1911 में आईएफ शील्ड पहली बार आज के दिन जीता था। सीमा भदौरिया ने 29 जुलाई 2000 को अपने दांतों से 3390 किलोग्राम के विमान को खींचा था। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में से एक JRD टाटा का जन्म 1904 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन 2003 में आज के दिन हुआ था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन 2009 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,840 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,840 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,400 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम 104.25 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप पर अब नया मैसेज आने पर भी नहीं आएगा नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप यूजर की सुविधा के लिए कंपनी ने हाल ही में एक नए फीचर को रोल किया है, जिसके तहत यह फीचर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है जो किसी व्यक्ति की पर्सनल चैट को छुपा कर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही यह फीचर रोल किया गया है। इस फीचर के इम्प्लीमेंट होने के बाद व्हाट्सएप आर्काइव चैट में कोई नया मैसेज आता है तो भी चैट आर्काइव ही रहेगी, यानी कि आपको नए मैसेज से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन पॉप अप नहीं होगा। जहां पहले ऐसा होता था, जैसे कि आर्काइव चैट में कोई नया मैसेज आने पर वो अनआर्काइव हो जाती थी, इस फीचर को यूज करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि नए अपडेट का अनुभव करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन हो। पारस गुट ने बुलाई प्रदेश कमेटी की मीटिंग। पारस गुट की तरफ से 1 अगस्त को प्रदेश स्तर की मीटिंग बुलाई गई है, जो कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने बुलाई है। पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस बाबत दावा किया है कि उस दिन मीटिंग में 33 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। ये सभी जिलाध्यक्ष नए होंगे। इनके अलावा प्रदेश कार्य समिति में शामिल सभी नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जानकारों की माने तो 1 अगस्त को होने वाली यह मीटिंग कई मायनों में बेहद खास है। इस मीटिंग के जरिए पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का खाका तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आशीर्वाद यात्रा के जरिए चिराग पासवान अपने पक्ष में भारी जनसमर्थन भी जुटा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, पंकज कुमार, चंदन कुमार, अनुराग कुमार, प्रियांशु सिंह, सुमित कुमार, सहाना कुमार, पप्पू कुमार, अमन सिंह, अमलेश कुमार, रंजीत कुमार, उदय कुमार, कोमल कुमारी, प्रमोद कुमार, रविंद्र कुमार, आतिक खान, सज्जाद खान, विनोद कुमार राज, रानी गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज हमारे द्वारा दिए गए 25 बिहार की बड़ी खबरों में आपके अनुसार आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।